अब लोग परेशान है कि वो कैसे ये यूज करें कि भाई हम अपने घर में बिजली का बिल कैसे कम लाएं। तो उनके लिए मैं नॉर्मली एक उदाहरण लेता हूं। जैसे आपका घर है, आपके घर में अगर हम नॉर्मल फैमिली की बात लेते हैं तो नॉर्मल फैमिली एसी अफोर्ड नहीं करता, ठीक है? नॉर्मल फैमिली एसी अफोर्ड नहीं करता है। और अगर आप मिडिल क्लास के हो तो आपको गीजर और हीटर भी अफोर्ड आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें आपका कुछ ज्यादा ही वाट खाती है, 1000 वाट से स्टार्टअप होती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपका घर है, आपके घर में नॉर्मली आज के डेट में 2 बेडरूम, एक किचन, लेट बाथ और एक हॉल रहता है, ठीक है? कम से कम 2 बेडरूम तो होते ही हैं। तो अपन ने ये दो बेडरूम मान लिया कि हमारे यहाँ 2 बेडरूम है, ठीक है? एक हॉल भी मान लिया, एक हॉल मान लिया, एक किचन, एक लेट बाथ। ये नॉर्मल फैमिली हो गई आपकी। ये केवल एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के लिए मैं भी बता रहा हूं, ठीक है? आप इससे भी आराम से बता सकते पता लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड घर में अब आपके देखा जाए तो यहां पर एक फैन यहां लग जाएगा, एक फैन यहां लग जाएगा, एक फैन यहां लग जाएगा हॉल में, ठीक है? और कूलर बेडरूम है तो कूलर बेडरूम बेडरूम में लगेगा ही लगेगा, ठीक है? आप हॉल में कूलर लगाते हो नहीं लगाते हो ये अलग बात हो जाती है। अब एलईडी बल्ब अगर अपन देख लेते हैं तो वो तकरीबन दो दो बल्ब अपन लेके चलते हैं कि अपन अपने कमरे में 2 बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है? और किचन में 1 बल्ब यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लटबाग में 1 वाट। तो हमारा जो मेन इंटेंशन होता है कि हम कौन सी चीजें कितने वाट की यूज करते हैं। आपका जो प्लस वगैरह भी होता है इनकी भी करीबन 450 वाट के ऊपर होता है, ठीक है? तो प्रेस वगैरह का भी ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली जो चीजें हम एक मिडिल क्लास स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, एक पंखा, अगर इतने आप देख लीजिए, 2 कूलर, वो भी ठंडी गर्मी के दिनों की बात कर रहा हूं मैं, ठंडी के दिनों की हो गया बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो अगर हम गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं तो 2 कूलर, एक हॉल में, हॉल में एक पंखा हो गया। अगर चाहो तो आप हॉल में 2 पंखे लगा सकते हो, ठीक है? ये आपने 2 पंखे लगा दिए। और किचन में तो पंखा होता नहीं है किसी के, यहाँ पर बल्ब। अब हम यहाँ पर बल्ब जो यूज करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 वाट का बल्ब यूज करेंगे लैट बाथ में, ठीक है? और यहाँ पर हम जो आपका ये क्या हो गया किचन, किचन में हम यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 वाट का बल्ब, बहुत ज्यादा होता है। इधर हम 10 वाट का बल्ब यूज कर सकते हैं, इधर हम 5-5 वाट के 2 बल्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये एलईडी बल्ब की बात मैं कर रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से रहे। ये मैं जिस स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूं ये बहुत अच्छा और वेल मेंटेन स्टैंडर्ड है। अगर इस स्टैंडर्ड में आप बिजली की खपत करोगे तो नॉर्मल खपत होती है, ठीक है? और कितनी खपत होगी भी आपको पता चल जाएगा। अब यहां पर कूलर, कूलर आज के जो सिंफनी वगैरह वो आते हैं, सिंफनी, सीएसओ वगैरह, इनका मैक्स ने स्टार्टिंग 150, 200, 250 वाट होता है। तो अपन 150 से 300 का ले लेते हैं, 250 का ले लेते हैं, ठीक है? ये वाट कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम ये 150 से ही उठता है, ठीक है? पंखा आपका हो गया अपन 65 वाट की जगह 70 वाट ले लेते हैं, 5 वाट और ज्यादा ले लो, 65-70 रहता अपन ज्यादा लेके चल रहे हैं, ठीक है? 70, 70, 5, 5, 5-5 वाट के इधर 2 बल्ब लगा दिए, ठीक है? चाहे इधर 7-7 वाट के लगा दो हॉल है तो। अब ये नॉर्मल चीजें होती हैं जो हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। अब ये बताइए, अगर आपके यहाँ दो दो बेडरूम है, एक हॉल है, एक किचन है, एक लैट बाथ है, तो आप मैक्सिमम इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं। मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता दूं, जो हमारा बिजली का बिल आता है वो करीबन 10 से 12 घंटे का बिजली का बिल मांगना होता है। मतलब हम 24 घंटे जो यूज करते हैं उसमें भी हमारा बिजली का बिल केवल 10 घंटे का मांगना होता है, लेकिन आज की मीटरों का जो होता है वो 24 घंटे की पूरी वो देखते हैं कि हमारे जो यूजेबल में है वो पूरे 24 घंटा यूज होता है, ठीक है? तो अभी